चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022 को लेकर। यहाँ जो है 8 अगस्त 2022 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब इसकी काउंसलिंग है तो जो रजिस्ट्रेशन है अब उसे होना है। तो आइए देखते हैं, पूरी डिटेल को समझते हैं, एक एक चीज़ को। इसकी समय सारणी अपडेट कर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि कई बार समय सारणी आई, तो जो लेटेस्ट समय सारणी है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। आप देखिए, यहाँ 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें बताया गया कि वर्ष बीएससी 2022 बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रवेश वर्ष 2022 में प्रवेश प्रदेश के शासकीय और निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए जो यहाँ पर आपको देना है, बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना है, उसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये समय सारणी दी गई, जो इसकी फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई आपको फॉर्म भरने में आप गलती कर जाते हैं, तो उसके संशोधन के लिए जो है यहाँ पर संशोधन है तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये अलग से देना होगा। ये प्रक्रिया 8 अगस्त से लेके शुरू होगी और जो कि जो प्रक्रिया होगी ये 16 अगस्त तक जाएगी, यानी ये 16 अगस्त तक आप इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं दोपहर 2 बजे तक। काउंसलिंग आवंटन में अन्य जानकारी है तो संचालन चिकित्सा शिक्षा वेबसाइट पर, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको जानकारी उपलब्ध होगी, या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बेल आइकन बगल में बना हुआ है उसे प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक जानकारी के लिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं कि एक नियमावली है इसकी 2019 की, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसमें बाकायदा पूरी नियमावली यहाँ पर दी गई है। अगर कोई परिवर्तन करना है या कोई चीज़ें करनी है तो आपको 1000 रुपये यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मॉपअप राउंड की सूचना जारी होने पर कम समय में संभावना बनी रहती है, अतः लगातार नियमित वेबसाइट पर जो है अवलोकन करें और दस्तावेज की स्क्रूटनी और प्रवेश प्रक्रिया देखें। छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम जो है 2019 के रहेंगे, कुछ संशोधित हो गए हैं उनके भी रहेंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे अपूर्ण आवेदन रह जाता है, पंजीकरण फीस गेटवे में जमा होने पर इत्यादि होने पर अपात्र हो जाते हैं, अतः ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घंटे पूर्व कार्रवाई करना सुनिश्चित जो है सुरक्षित प्रक्रिया है। यानी उन्होंने कहा कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे 24 घंटा पहले ही आप कर लें, जिससे इस तरीके की आपके साथ व्यवधान उत्पन्न ना होने पाए। शुल्क आप मास्टर वीज़ा, रुपए, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर रिफंड जमाकर्ता के खाते में ही वापस किया जाएगा, किसी अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों की समीक्षा करना और पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा अपात्र हो जाएंगे। और ये नियमावली भी आप नौ देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पश्चात आगामी कार्यवाही हेतु काउंसलिंग शेड्यूल आपका अवलोकन करना होगा, यानी जो आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसके बाद आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल दिया जाएगा, उसके तहत काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये जो हमने अभी आपको दिखाया है वो यहाँ अटैचमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहें तो। ये चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पर ही आपको आकर डिटेल को फिलअप करना। यहाँ देखिए, नर्सिंग एडमिशन फॉर्म के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये जो है यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने JNM पर एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको, वो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा तरीके से आपने देखा भी, उसे मूव भी कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका प्यार देखकर। और इसके साथ यहाँ पर आप जो है अब नर्सिंग पर यहाँ पर हमने देखा कि ये यूज़र आईडी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग पर आपको टिक करना होगा। यूज़र मैनुअल गाइड यहाँ पर दी गई है, जो बात ये 2019 की यहाँ पर हो रही है, 2019 की गाइडलाइन पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, वरना आपको अगर वो मंजूर है तो आप यहाँ आ जाइए। BSc नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास होगी, उसको आपको भरना होगा, रोल नंबर जो परीक्षा हुई उसका रोल नंबर भरना होगा, BSc नर्सिंग में जो मार्क्स आए वो आपको भरने होंगे, DOB भरनी होगी, 10 नंबर का मोबाइल डिजिट और ईमेल आईडी भरकर आपको आगे की तरफ बढ़ जाना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन एक तरीके से हो रहा है, उसे आप रजिस्ट्रेशन कर दें।
दीजिए, जिसे अगली अगले स्टेप में, अगले राउंड में जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में, जो लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं उन्हें सही तरीके से समझ में आ गया होगा। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग अपना आगे का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करें। वो समय कम है, आज 10 तारीख हो चुकी है और ज़्यादा समय बचा नहीं है। बीच में सन जो है आपके फेस्टिवल भी हैं, तो उम्मीद करते हैं आप उन समय से निकाल कर अपना ये जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसे संपन्न कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।